हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका की हाई थिंकिंग। आप सभी का मोस्ट वेलकम। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हमेशा ठीक रहेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाते हैं आज बढ़िया सी रेसिपी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आलू चीज़ पराठा। आप इस रेसिपी को ट्राई करिए, आपको बेहद पसंद आएगी। तो इस स्टफ पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम दो उबले हुए आलू लेंगे। अब इसे फॉक से अच्छे से मैश कर लेंगे। तो आलू हमारे अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून अजवाइन ऐड करेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। थोड़े से फाइन चॉप किए हुए प्याज ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आलू वाली स्टफिंग भी हमारी रेडी हो गई है। अब एक छोटा सा बोल लेंगे, इसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मैंने पराठे के लिए डो पहले से रेडी कर रख लिया था। अब लोई लेंगे और पराठे की तरह इसे बेल लेंगे। तो लोई के ऊपर थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और इसे रोटी की तरह बेल लेंगे। तो इसे मैंने रोटी की तरह बेल लिया। अब इसे नाइफ से बीच से कट लगाएंगे। तो एक साइड हम रेड चिली वाला पेस्ट अप्लाई करेंगे। अब हम थोड़े से फाइन चॉप्ड किए हुए अनियन रखेंगे। अब हम आलू वाली स्टफिंग रखेंगे। अब प्याज के ऊपर हम थोड़ी सी फाइन चॉप्ड की हुई धनिया की पत्ती ऐड करेंगे। अब एक साइड हम ग्रेटेड चीज़ रखेंगे। अब पराठे को हम चीज़ वाली साइड से फोल्ड करेंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और इसे पराठे की तरह बेल लेंगे। तो पराठे को हमने बेल लिया। अब इसे तवे पे अच्छे से सेकेंगे। तो यहाँ मैंने गैस के ऊपर मीडियम फ्लेम पे तवे को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इस पे पराठे रखेंगे और इसे अच्छे से सेकेंगे। तो पराठे के ऊपर हम घी या बटर लगाएंगे और इसे दोनों साइडों से अच्छे से उलट पलट के सेक लेंगे। तो अब हम पराठे के ऊपर दोनों साइडों से अच्छे से बटर लगाएंगे और इसे अच्छे से सेक लेंगे। तो हमें पराठे में घी या बटर अच्छे से लगाना है और इसे क्रिस्पी सेकना है। तो फ्रेंड्स, ये स्टफिंग पराठा खाने में इतना टेस्टी लगता है कि आपके बच्चे और आपकी फैमिली दोनों ही इसको अगर एक बार खा लेंगे तो दोबारा बनवा कर खाएंगे। तो पराठा हमारा बन के रेडी हो गया। अब इसे टोमेटो केचप के साथ या चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो आप इसके अंदर की स्टफिंग देख सकते हैं, कितना यम्मी लग रहा है। तो आज मेरे चीज स्टफिंग पराठे की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ।